हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वॉम वेलकम वंस अगेन। हाजिर आज दी वीडियो लाके जिदे विच असी करांगे इंग्लिश प्रैक्टिकल दी सीट नंबर 2 प्रैक्टिस शीट सैकंड करांगे। केड़ी क्लास लई? क्लास 8th लई, बेस्ड ऑन द लेसन द एज्ड मदर लिसनिंग एज वेल एज स्पीकिंग। सो टेक योर नोटबुक्स एंड पेन पेंसिल्स, लेट गेट स्टार्ट। सो लिसनिंग पार्ट तुहाडे सामने आ, हुण मैं ऑडियो प्ले कर दी हाँ, ध्यान ना ऑडियो नू सुनो। ते कॉपी ते आंसर्स ने जेड़े नाल हुंदे उदी ऑप्शन्स ने, ए आ ते ए नोट कर लो, बी आ ते बी नोट कर लो, एंड ते चेक करियो तुहाडे किन्ने सही ने। लिसनिंग टेस्ट क्लास 8 प्रैक्टिस शीट 2 लेसन द एज्ड मदर। यू विल हियर एन ऑडियो एंड यू विल हैव टू आंसर द क्वेश्चंस As you listen, before you listen to the audio, please read the questions carefully. Questions nu read karde raho naal. Now, listen to the audio. Just at sunset, when his day's work ended, he took some unwhitened rice, which was the main food for the poor, and cooked it, dried it, and tied it in a cloth, which he swung in a bundle around his neck, along with a pot filled with cool water. Then he lifted his helpless old mother on his back and started on his painful journey up the mountain. The road was long and steep. The narrow road was crossed and recrossed by many paths made by the hunters and the woodcutters. At some places they got lost and confused, but he did not think about it. He was about to abandon his dear mother, so it did not matter which path he took to reach the mountain top. On he went, climbing blindly upward, ever upward towards the high bare summit known as Obatsuyama, the mountain where the aged were abandoned. This is the end of the audio. हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तुसी ऑडियो सुन ली। आई होप के तुसी आंसर्स ने जेडे नोट डाउन कर ले होने ने। हुण बेटा आपां चेक करदे हां, तुसी देखो तुहाडे किन्ने सही गए ने। फर्स्ट दे विच पुत्तो उन्होंने अनवाइटनड राइस बोलिया सी, सो सी आंसर है। देखो तो उसी भी सी लगाया। सैकेंड वन, इनू पुत कॉपीज ते नोट कर लेना क्योंकि इदा तुसी भुल जाओगे, ठीक है। सैकेंड वन दे विच की है, स्विंग एंड अ बंडल, स्वंग, ओके बंडल, सो बी ए आंसर है इसका। थर्ड दे विच आ गया सीगा हेल्पलैस, ही लिफ्टड हिज हेल्पलैस ओल्ड मदर ऑन हिज बैक, कित्थे लिखा हेल्पलैस, बी, ओके। फोर्थ क्वेश्चन दे विच की आया सी, पेनफुल जर्नी दी गल हो रही सी, सो पेनफुल कित्थे लिखा होयागा, सी, ओके। नैक्सट वन किहदी गल हो रही सी, रस्तियां दी गल हो रही सी, क्रॉस्ड एंड रीक्रॉस्ड पाथ, सो ए आंसर है बेटा, ठीक। लो जी हुण नैक्सट वन आ गया सिक्स्थ क्वेश्चन। देखो इहदे विच तुहाने की लगाया आंसर बेटा, इहदा सिक्स्थ दा आउणा सी बी, बी लगाया तुसीं, चेक करो, अगर नहीं लगाया तो उन्हों मटे के सही कर लो। सैवंथ दे विच ए आंसर आ, आई होप ये तो तुहानू ईजीली पता लग गया होना। एट्थ वन, एट्थ दे विच हैगा ब्लाइंडली सी। नाइन्थ दे विच ए, टेंथ दे विच सी। सो बेटा ए सी तुहाडे आंसर्स, मैं एक बार फिर तो दिखा रही हाँ, तुसी इन्हां नू नोट डाउन कर लो बेटा। जो स्कूल खुल जाएंगे फिर प्रैक्टिकल्स मैं तुहानू क्लास दे विच करवावांगी, ठीक। तो ये मार्क्स लगते 20,
10 नंबर की तुहाडी लिसनिंग आउंदी है ते 10 मार्क्स की स्पीकिंग। ओके, स्पीकिंग प्रैक्टिस दे विच फर्स्ट सैट आ जिहड़ा तुहानू क्वेश्चन पूछे जाणगे जिन्हां दे तुसीं आंसर देने आ। देखो, टीचर विल आस्क दीज क्वेश्चन एंड द स्टूडेंट विल स्पीक द आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन की है, डू यू स्टडी लेट एट नाइट। हुण मैं इहदा आंसर लिखिआ आई डोंट स्टडी लेट एट नाइट, आई स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर तुसी लेट नाइट स्टडी करते हो तो तुसी कह सकते यस आई स्टडी लेट एट नाइट। अगर नहीं करते, मैनू पता बहुते बच्चे नहीं करते, सो तुसी ये आंसर बोलोगे उत्थे आई डू नॉट स्टडी लेट एट नाइट, आई स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, सैकेंड क्वेश्चन की है, क्वेश्चन ये भी पता, क्वेश्चन और आंसर दोनों नोट डाउन कर लेने नोटबुक से। वैन डू यू गैट अप, तुसी कदों उठते हो। हुण एक दा आंसर ये भी दिंदा आई गैट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। बट वैन पूछा जब उन्होंने आप एग्जैक्ट टाइम दसना कोई, सो फिर आई गैट अप 5 o'clock। ठीक है, वो तो बाद उत्ते कॉमा पाना सी, कोई गल नहीं। नैक्सट क्वेश्चन आ, डू यू स्पेंड टाइम विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, की मतलब है कि तुसी अपने जिहड़े दादा दादी ने उन्हां नाल टाइम स्पेंड करदे हो। यस आई स्पेंड टाइम विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, नैक्सट क्वेश्चन, वट डू यू डू आफ्टर स्कूल, है ना। ये आप हूँ अगले, हाँ जी, इहदा आंसर असी की देवांगे, आफ्टर स्कूल असी की करते हैं, आई डू माई होमवर्क एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स। यही काम करते हैं, असी आपका होमवर्क करते हैं तो आपके दोस्तों नाल खेडते हैं। सो नैक्सट एंड लास्ट क्वेश्चन, हू हैल्प्स यू इन योर स्टडीज़ एट होम, तुहाडे घर विच तुहाडे जिहड़ा होमवर्क विच कौन हैल्प करदा। अगर तुहाडी सिस्टर करदी तुसी सिस्टर कह सकदे हो, मदर करदी है मदर कह सकदे हो। ओके, माई मदर हैल्प्स मी इन माई स्टडीज़ एट होम। सो इस तरीके नाल तुसी इन्हां क्वेश्चनां दे आंसर्स करने ने बेटा। हुण सैकेंड पार्ट आ, स्पीक एटलीस्ट 5 sentences ऑन दिस पिक्चर। तुहानू जिहड़ी पिक्चर दित्ती गई आ, एक लड़के ने अपनी माँ नू अपने मोढ़िया ते अपनी बैग ते चुकिया होया गा विद द हैल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। तुहानू एक डब्बे दे विच इधर किन्ने सारे वर्ड्स दित्ते हुए ने तुहाडी हैल्प लई। सो इन्हां दी हैल्प लैके तुसी एटलीस्ट 5 sentences बोलने ने, है ना। इहदे लई तुसी अपनी बुक दी हैल्प लै सकदे हो, तुसी आपदी बुक दे उत्तों देख सकदे हो, है ना। अगर तुसी ईजीली बना सकदे हो तो वैल एंड गुड आ, तो कुछ क मैं तुहाडे लई बना भी दित्ते ने। देखो, चेक द सेंटेंसिस, पुअर फार्मर, ही इज़ अ पुअर फार्मर। नैक्सट वन आ गया एज्ड मदर, एज्ड मदर का भी तुसी हुण अगे की बनाया, द पुअर फार्मर एंड हिज एज्ड मदर लिव्स टूगैदर। ओके, नैक्सट है केम बैक टूगैदर, द पुअर फार्मर डिसाइडड दे केम बैक टूगैदर एंड फेस द कॉन्सिक्वेंसिस। हाँ जी, नैक्सट सम मोर सेंटेंसिस, ड्रॉप्ड ट्विंग्स, सी ड्रॉप्ड a handful of twigs after every step. Next one ki hai, cruel law, in the end the cruel law abolished, matlab ke aakhir de vich jehda eh zalimana kanoon banaya si oh khatam kar ditta gaya, ja tusi idda vi keh sakde, the cruel king made a cruel law. Okay, next one, filled with sorrow, this order filled his heart with sorrow. Is jehda hukm ne jehde cruel raje ne unhan de ne hukm ditta si ke जिन्हें भी ओल्ड पीपल ने उन्होंने मार दो, उन्हें उसका जिहड़ा दिल सी दुख ना भर दिता। सो इन्होंने तुम नोट डाउन करके लर्न कर लेना, होर बना सकते हो तो वैल एंड गुड है बेटा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सबसक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नैक्सट वीडियो।